Hello everyone, welcome to this class. In this class, in this lecture, in this session, we are learning how to tell the time and how to tell the time and how to ask the time. आज की वीडियो में, आज के लेक्चर में हम सीखेंगे किस तरह से समय को पूछते हैं और किस तरह से समय को बताते हैं. सबसे पहले क्वेश्चंस लिखेंगे और किस तरह से रिप्लाई करते हैं. लेकिन ध्यान दीजिएगा कि समय बताने के ना समय को तीन कैटेगरी में बताया जाता है. एक समय होता है जो पूरा का पूरा घंटे में होता है, और एक समय होता है जिसमें मिनट लगा होता है, और एक समय होता है जिसको हम रिवर्स में बताते हैं. जैसे जब 15 मिनट बचता है तो उसको कुछ और बोलते हैं. तो तीन कैटेगरी में हम बांट के चलेंगे समय को. तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन करना सीखते हैं कि जब भी आपको किसी से समय पूछना हो तो किस तरह से क्वेश्चन यूज़ करके आप समय को पूछ पाएंगे. तो चलिए लिखिएगा, जैसे आपकी घड़ी में कितना बजा है. वन सेकेंड. आपकी घड़ी में कितना बजा है. आप तो ये क्वेश्चन कर सकते हैं, आपकी घड़ी में कितना बजा है. इसको इंग्लिश में बोलेंगे, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच. What is the time by your What is the time by your watch? यहाँ by का ही यूज़ करते हैं, ध्यान दीजिएगा. किसी और प्रपोजिशन का भी यूज़ ना करिएगा, सेंटेंस गलत हो जाएगा. आपकी घड़ी में कितना बजा है, What is the time by your watch? या फिर आप पूछ सकते हैं अभी कितना बजा है. ऐसे हम बोलते हैं ना, अभी कितना बजा है. अभी कितना बजा है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे, व्हाट टाइम इज इट नाउ. व्हाट टाइम इज इट नाउ, कितना बजा है, कितना बजा है. आप बोल सकते हैं, व्हाट इज द टाइम प्लीज. What is the time, please? हालांकि please word को आपको सभी में use करना चाहिए, इसमें भी इसमें भी. Please word का use करने से sentence polite बन जाता है. So what is the time, please? What is the time, please? कितना बजा है. कृपया समय बताइए. कृपया समय बताइए. आप इसको शॉर्टकट में बोल सकते हैं, टाइम प्लीज, टाइम प्लीज, टाइम प्लीज. तो ये सारे तरीके हैं समय को पूछने के. पहला तो आप बोल सकते हैं कि आपकी घड़ी में कितना बजा है, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच. अभी कितना बजा है, व्हाट टाइम इज इट नाउ. कितना बजा है, व्हाट इज द टाइम प्लीज. कृपया समय बताइए, टाइम प्लीज. या फिर आप इस तरह बोल सकते हैं, क्या आप मुझे समय बता सकते हैं, कुड यू प्लीज़ टेल मी द टाइम. इस तरह के भी सेंटेंसेस का आप यूज़ कर सकते हैं, कुड यू प्लीज़ टेल मी द टाइम. क्या आप मुझे समय बता सकते हैं, तो वो फिर समय बताएगा कि 5 बजा है, 5:30 बजा है, 5:45 है, 5:50 है. लेकिन ये तो हिंदी के मैं बता रहा हूँ, इनको बताने के अलग अलग तरीके हैं. सबसे पहले आप इन्हें नोट कीजिए, देन मैं आपको इनका रिप्लाई करना बताता हूँ. इसको आप अच्छे से लिख लीजिए, टाइम प्लीज. टाइम प्लीज.
चलिए आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब आंसर करना सीखेंगे किस तरह से आप टाइम को बताएंगे। केवल एक ही रूल है, आपको पहले इट इज़ का यूज़ करना है, देन आगे का सेंटेंस रहेगा। अब मैं कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ, उसे आपको नोट कर लेनी है। पहला ये है कि जब समय पूरा पूरा घंटे में हो तब वो क्लॉक का यूज करते हैं। देखिए मैंने क्या बोला कि जब समय पूरा का पूरा घंटे में होगा, जैसे 5 बजा है, 6 बजा है, 7 बजा है, 8 बजा है, 9 बजा है, यानी उसमें मिनट वर्ड नहीं होना चाहिए, मिनट नहीं होना चाहिए, तब हम किसका यूज़ करेंगे? हम ओ क्लॉक का यूज़ करेंगे। जैसे 7 बजे 7 o'clock, 8 बजे 8 o'clock, 9 बजे 9 o'clock। तो एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया कि जब समय घंटे में होगा पूरा पूरा तो ओ क्लॉक का यूज़ करेंगे। दूसरा ध्यान ये रखना है कि 15 मिनट को आपको बोलना है, जब जब 15 मिनट आएगा तो आप 15 मिनट को क्या बोलेंगे? क्वार्टर। क्लियर? 15 मिनट को आप क्या बोलेंगे? क्वार्टर। उसी तरह 30 मिनट आ जाए, जब भी 30 मिनट आएगा तो आप 30 मिनट की जगह क्या लिखेंगे? हाफ। ठीक है, क्या ध्यान दिया हमने कि जब समय पूरा पूरा घंटे में होगा तब ओ क्लॉक का यूज़ करते हैं, दूसरा 15 मिनट को क्वार्टर बोलते हैं, 30 मिनट को हाफ बोलते हैं। चौथी चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है, ध्यान से सुनिएगा और आपको समझना भी है। देखिए जब मिनट आएगा तो हम अभी आपको बताया कि 30 मिनट को क्या लिखेंगे? हाफ लिखेंगे। 15 मिनट को क्या लिखेंगे? क्वार्टर लिखेंगे। जो मिनट 5 की टेबल में आते हैं, जो मिनट 5 की टेबल में आते हैं, जब उनका हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो उनके साथ मिनट वर्ड नहीं लगता है। जैसे देखिए, अगर कहीं लिखा है 5 मिनट, 5 मिनट, जैसे समय हमारा आ गया 5:05, तो 5 मिनट आ गया ना, तो इसको केवल केवल सेंटेंस में हम क्या बोलेंगे? 5 बोलेंगे। सेंटेंस में जब इसका यूज़ करेंगे हम तो 5 बोलेंगे। यदि आपने 5 मिनट्स लिख दिया वहाँ पास, 5 मिनट्स, तो ये गलत है। यानी हमें 5 मिनट्स नहीं लिखना है, हमें क्या लिखना है? केवल और केवल 5 लिखना है। इसी तरह 10 आ जाए, 15 आ जाए, 20 आ जाए, 25 आ जाए, 30 आ जाए, 35 आ जाए, तो 15 को तो क्वार्टर बोल देंगे, 30 को तो हाफ बोल देंगे। इसके अलावा 10 होगा तो हम 10 मिनट्स नहीं बोलेंगे, केवल 10 बोलेंगे। 20 मिनट्स होगा तो केवल 20 बोलेंगे, 20 मिनट्स नहीं बोलेंगे, मिनट वर्ड नहीं लगाएंगे। 25 बोलेंगे, 25 मिनट्स नहीं बोलेंगे। इसी तरह 35 आएगा तो 35 मिनट्स बोलेंगे, 35 बोलेंगे, 35 मिनट्स नहीं बोलेंगे। तो फिर से समझिएगा कि जो मिनट 5 की टेबल में आते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जो मिनट 5 से डिवाइड हो जाते हैं, जब हम उस मिनट का सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो उसके साथ ये मिनट वर्ड का यूज़ हम नहीं करते हैं। इसके अलावा आपका आ जाए, जैसे 11 मिनट आ जाए, 12 मिनट आ जाए, 13 मिनट आ जाए, 16 मिनट आ जाए, 17 मिनट आ जाए, तो इनको हम बोलेंगे 16 मिनट्स बोलेंगे, 14 मिनट्स बोलेंगे, 13 मिनट्स बोलेंगे। तो अभी आपको केवल क्या समझना है, क्या नोट लिख लेंगे आप? नोट लिखेंगे जो मिनट 5 की टेबल में आते हैं उनका यूज जब सेंटेंस में करते हैं तो उन मिनट के साथ मिनट वर्ड का यूज नहीं करते हैं। क्लियर? सेंटेंस में आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इसको आप थोड़ा नोट कर लीजिए, इसको आप इसी तरह नोट कर लीजिए कि जब समय पूरा पूरा घंटे में हो तब ओ क्लॉक का यूज़ करते हैं, 15 मिनट को, 15 मिनट को क्या बोलते हैं? क्वार्टर बोलते हैं, और 30 मिनट को क्या बोलते हैं? हाफ बोलते हैं। इतना आप नोट कर लीजिए, और ये भी नोट करिएगा कि 5 मिनट को हम 5 बस बोलेंगे, 5 मिनट्स नहीं बोलेंगे। ठीक है, इनके साथ हम मिनट वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे, हम इनको डायरेक्टली यूज़ करेंगे, 20, 25, 35, 10 ऐसे यूज करेंगे। इन्हें आप नोट कीजिए।
चलिए, तो आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब हम तीन कैटेगरी में समय को बांटते हैं। पहला जब पूरा पूरा घंटे में हो, दूसरा जब मिनट में हो, और तीसरा जब हम उल्टा काउंट करते हैं। तो तीन रूल मैं आपको बताऊंगा, तीनों रूल के अकॉर्डिंग सेंटेंस बनते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पास, ये तो रूल हो गया हमारा, ठीक है। पहला लिखेंगे, पहला रूल है जब समय घंटे में हो, जब समय घंटे में हो तो रूल क्या होगा, इट इज ओ क्लॉक। क्या यूज करेंगे, इट इज ओ क्लॉक। जैसे 5 बजा है, 5 बजा है, इट इज 5 o'clock, इट इज 5 o'clock। 7 बजा है, सॉरी, इट इज 7 o'clock। नौ बजा है, क्या बोलेंगे, इट इज 9 o'clock। और इसी तरह और भी, जैसे आ जाए 12 बजा है, इट इज 12 o'clock। इसी तरह 2 बजा है, इट इज 2 o'clock। ओके, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब समय हमारा क्या होगा, पूरा का पूरा घंटे में होगा, तो हम यूज़ करेंगे इट इज़, और जो भी समय होगा ओ क्लॉक का यूज़ करके हम बता देंगे। तो ये हो गया हमारा रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 हो गया, जब समय हमारा पूरा का पूरा घंटे में होगा तो हम इस रूल का यूज़ करेंगे। इसे आप नोट करिए। चलिए, आपने इसे नोट कर लिया होगा। बहुत आसान है पहला रूल। सेकेंड रूल ये है, जब समय मिनट में हो, जब समय घंटे के साथ मिनट में हो, यानी घंटा तो आएगा ही, आर आएगा ही और मिनट में आएगा, तब रूल क्या फॉलो करेंगे हम, सब्जेक्ट। लेकिन ध्यान क्या रखना है, जब समय घंटे के साथ मिनट में हो, लेकिन लेकिन 1 मिनट से लेकर के 39 मिनट तक ही ये रूल काम करेगा। क्लियर, क्या ध्यान रखना है कि जब मिनट में समय हो घंटे के साथ, लेकिन 1 मिनट से लेकर के 39 मिनट तक अगर होगा वो मिनट, तो इस रूल का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, सबसे पहले तो हम लेंगे इट, देन इज, और यहाँ मिनट आएगा, एंड देन पास्ट, और यहाँ पास हमारा आर रहेगा। देखिए कैसे, यहाँ मिनट आपको फिल करना है, ओके, और यहाँ आपको क्या फिल करना है, आर फिल करना है। आई अपोलोजाइज फॉर द इनकन्वीनियंस। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके आगे की जितनी वीडियो थी ना, इस ये जो वीडियो में मैंने आपको बताया अभी, आवाज़ नहीं थी, तो मुझे कट करके दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो हमने कहाँ तक बात कर लिया था, हम सेकेंड रूल की बात कर रहे थे कि जब मिनट
एक से लेके 39 मिनट तक का होगा, तब हमें किसका यूज़ करना है, इट इज़ लेना है, इसके बाद किसका यूज़ करना है, मिनट का यूज़ करना है, देन पास लगाना है, और फिर इसके बाद जो हमारा आर होगा उसे लिखेंगे। तो फिर से मैं यहाँ पास लिख रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, रूल बस को लिखना है, इट इज़ पास्ट एंड देन आर। यहाँ पास हमें लिखना है मिनट, जो मिनट बीत चुका है, और यहाँ पास लिखना है आर, जो घंटा बीत चुका है। जैसे एग्जांपल देखिएगा, 5:15, 5:15 हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे इट इज़, अब देखिए कितने मिनट है, 15 मिनट, यहाँ मिनट लिखना है, और 15 मिनट को क्या बोलते हैं, क्वार्टर बोलते हैं, तो यहाँ हमने क्या लिखा, क्वार्टर, और फिर क्या यूज़ करना है, पास्ट, और फिर जो घंटा बच चुका है 5, तो 5:15 को क्या बोलेंगे, इट इज़ 5:15। इसके बाद हमें याद रखना है, यदि ऐसा दिया हो 5:05 है, 5:05 है, तो इसे आप इंग्लिश में लिखेंगे इट इज 5:05। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो 5 की टेबल में मिनट होते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, उनके साथ हम मिनट वर्ड का यूज़ नहीं करते। जैसे इसी सेंटेंस को यदि आप ऐसे लिखेंगे, 5 मिनट्स पास्ट 5, तो ये सेंटेंस आपका क्या होगा, गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि 5 के साथ ये मिनट वर्ड नहीं आएगा। ओके, एक और एग्जांपल देखिए, 5:30 है, 5:30 है, इट इज़ 5:30, इट इज़ 5:30। 5:30, देखिए पहले इट इज़ लिए, 30 मिनट को क्या बोलते हैं, हाफ, और पास लगाएंगे 5 को लिखेंगे। एक और एग्जांपल लिखिए, 5:40 है, 5:40 है, इट इज 40 मिनट्स या 40:05। क्या यह सेंटेंस सही है, आप बोलेंगे गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 1 से लेकर के 39 मिनट तक का ही ये रूल काम करेगा। यदि 39 से ज़्यादा के मिनट हैं तो ये फिर रूल काम नहीं करेगा। तो इसका क्या होगा, इसका सही होगा इट इज़ 20:06। इसका सही ट्रांसलेशन क्या होगा, इट इज़ 20:06, जो हम इसके बाद डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जब मिनट, जब समय, जब घंटा मिनट के साथ आता है, जब समय घंटे के साथ मिनट में हो, 1 से लेकर 39 मिनट तक हो, तभी हम इस रूल का फॉलो करेंगे। यदि 40 से लेकर के 59 मिनट तक है तो फिर हम इस रूल को फॉलो नहीं करेंगे, फिर हमें इस रूल को फॉलो करना है जो मैं आगे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्लियर, तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि जब समय घंटे के साथ मिनट में हो, 1 से लेकर 39 मिनट तक हो, तो हम तभी हम इस रूल को फॉलो करेंगे, इट इज़ लेंगे, जो मिनट बीत चुका है उसे लिखेंगे, पास्ट लगाएंगे, और फिर इसके बाद जो घंटा बीत चुका है उसे हम लिखेंगे। इसे आप नोट कर लीजिए।
चलिए आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब तीसरे रूल में ये समझना है कि जब समय घंटे के साथ मिनट में तो हो लेकिन 40 से लेके 59 मिनट तक का होगा तो हमें किस रूल को फॉलो करना है, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। यदि 1 से लेके 39 मिनट तक का होगा इट इज़ मिनट पास्ट आर, ये लेना है आपको। ओके चलिए अब समझते हैं। चालीस से लेकर के कहाँ तक होगा, 59 मिनट तक। जब समय लिखना है, जब समय घंटे के साथ मिनट में हो लेकिन 40 से लेके 59 मिनट तक, तब हम रूल किस रूल को फॉलो करेंगे। सबसे पहले लेंगे इट इज़, फिर यहाँ मिनट आएगा, फिर टू का यूज़ करेंगे और यहाँ घंटा आएगा। लेकिन किस तरह का मिनट आएगा, यहाँ पास आएगा रिमेनिंग मिनट्स, यानी कि बचे हुए मिनट्स को हमको यहाँ लेना है, बचे हुए मिनट्स को कहाँ लेना है, यहाँ लेना है। और जो यहाँ पास अपकमिंग आर यानी आने वाला जो घंटा होगा, जो आने वाला आर होगा, उसको हम यहाँ लिखेंगे। जैसे देखिएगा 5:40 हैं, 5:40 है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे इट इज़। ओके इट इज़ के बाद आप देखेंगे 40 मिनट तो दिया है लेकिन कितने मिनट बचे हैं 6 बजने में, आप बोलोगे 20 मिनट, और 20 मिनट को क्या बोलते हैं 20, फिर क्या लेंगे 2, और 5 अभी बजा है तो आने वाला कौन सा घंटा होगा 6 होगा, तो यहाँ क्या इसका ट्रांसलेशन होगा, 5:15 को क्या बोलेंगे इट इज़ 20:06, मतलब इट इज़ 20 मिनट है टू 6, 6 बजने के लिए। इसी तरह आप देखेंगे कि यदि आ जाए 5:45 है, 5:45 हैं, तो सबसे पहले आप लिखेंगे इट इज़, अब कितने मिनट बचे हैं 15 मिनट, 15 मिनट को क्या बोलते हैं क्वार्टर, तो लिखेंगे क्वार्टर और लिखेंगे 2 और क्या बजने वाला है 6, तो इट इज़ 5:45, तो मतलब क्या होगा 15 मिनट हैं 6 बजने के लिए, तो 5:45 को क्या बोलेंगे इट इज़ 5:45, मतलब 15 मिनट बचे हैं 6 बजने के लिए। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे आ जाए 5:56 है, 5:56 है, अब बताइए कितने मिनट बचे हैं 6 बजने में, आप बोलोगे 4 मिनट, बोलेंगे इट इज़ 4 मिनट्स। अब देखिए यहाँ मैंने मिनट्स भी लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि ये 5 से डिवाइड नहीं होगा, इट इज़ 4:06, इट इज़ 4:06। एक और देखिएगा 5:54 हैं, सबसे पहले लिखेंगे इट इज़ कितने मिनट बचे हैं 6 मिनट, सो इट इज़ 6 मिनट्स, क्या बजने वाले हैं 6, सो इट इज़ 6:06, इट इज़ 6:06, 6 मिनट। सो इस तरह आपको ध्यान रखना है कि जब समय क्या होगा 40 से लेकर के 59 मिनट के बीच में, जब हमारा मिनट होगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इट इज़ लिखेंगे, जो मिनट्स यहाँ पास बचे होंगे उसको लिखेंगे और यहाँ आने वाला घंटा, तो 5:56 में देखिए 6 मिनट बच रहे हैं और 6 बजने वाले हैं, सो इट इज़ 6:06, इसे भी नोट कर लीजिए आप।
चलिए, तो आपने इसे नोट कर लिया होगा, केवल तीन ही रूल हैं आपको याद रखना है। जब समय घंटे में होगा तो ओ क्लॉक का लगा के बनाएंगे, जब समय घंटे के साथ 1 से लेकर 39 मिनट तक का होगा तो रूल ध्यान रखना है, और जब समय घंटे के साथ 40 मिनट से लेकर के 59 मिनट तक का होगा तब उसे यूज़ करना है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जैसे कभी कभी इस तरह आ जाए 5:14, 28 मिनट, ठीक 33 मिनट, 58 मिनट, तो ना इसको लगभग मान के ना पूरा पूरा मान लिया करिएगा। जैसे दिया 14 मिनट, ठीक है ना, 14 मिनट दिया है तो इसको पूरा का पूरा ना 15 मान लीजिए और लगभग वर्ड को लगा दीजिए। जैसे सेंटेंस को समझिएगा, लगभग 5:58 है, तो यदि आप इसको एग्जैक्ट बताना चाहोगे तो आप तो बता ही सकते हो, 2:06 या बोल सकते हो, लेकिन लगभग का यूज करोगे तो क्या मान लोगे, इट इज ऑलमोस्ट। अब 5:58 है तो लगभग में 2 मिनट आगे भी जा सकता है, 2 मिनट पीछे भी जा सकता है, सो इट इज ऑलमोस्ट 6 o'clock। इट इज ऑलमोस्ट 6 o'clock। इसी तरह जैसे आ जाए लगभग, पांच बजकर 13 मिनट है। अब आपको देखना है किस तरफ कम मिनट है, तो 15 में देखेंगे तो 2 मिनट ज़्यादा ले रहे हैं, और अगर इसको 10 मिनट मानेंगे तो 3 ले रहे हैं, तो लगभग में क्या होता है, जिस तरफ कम हो उस तरफ ज़्यादा लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, इट इज ऑलमोस्ट, अब इसको क्या मान लिया 15, अब 15 को क्या बोलते हैं, क्वार्टर, सो इट इज ऑलमोस्ट क्वार्टर पास्ट 5, इट इज ऑलमोस्ट क्वार्टर पास्ट 5, क्लियर। तो इस तरह हम यूज करते हैं, इस तरह हम किसका यूज करते हैं, ऑलमोस्ट का यूज करते हैं, इसे भी आप नोट कर लीजिए। तो चलिए, सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने क्या सीखा, आज की क्लास में हमने सीखा किस तरह से क्वेश्चन करते हैं और किस तरह से आंसर करते हैं, कैसे जब समय घंटे में होगा तो बताएंगे, जब मिनट के साथ होगा, मिनट में 1 से लेकर 39 मिनट तक होगा तो रूल क्या होगा, और जब 40 से लेकर के 59 मिनट तक होगा तब रूल क्या होगा, और साथ ही में हमने क्या सीखा कि लगभग वर्ड का भी यूज़ करके, ऑलमोस्ट वर्ड का भी यूज़ करके हम सेंटेंस में अपने मैसेज को दे सकते हैं, समय को बता सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग इंग्लिश। Have a nice day.